लाहौर से खबर शामिल करते हैं। सूबाई वजीर बराए अकलियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने अपने कैंपस ऑफिस में एक अमरीकी वफद से मुलाकात की, जिसमें पंजाब में इंसानी हकूक के तहफ़ के लिए इकदाम, बिलखसूस मजहबी अकलियतों के हकूक के बारे में तफसीली बातचीत की गई। अमरीकी वफद में नायब मौवन सेक्रेटरी जैक्सन, कौंसल जनरल हॉकन्स, लासिको ननसन, लखन पॉल और फोकल पर्सन फाजिल शामिल थे, जबकि सेक्रेटरी इंसानी हकूक और अकलियती अमूर अली बहादुर और दीगर मुतलका अफराद भी मुलाकात में मौजूद थे। रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि अक्टूबर में दिवाली, नवंबर में बाबा गुरु नानक की सालगिरह की तकरीबात और दिसंबर में क्रिसमस की तकरीबात मनाई जाएंगी, जो कि पाकिस्तान का दुनिया भर में मुस्बत पहलू उजागर करेगा कि तमाम मजहबी अकलियतों का त्यौहार पूरे जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बाबा गुरु नानक से मुंसलिक तकरीबात में शिरकत के लिए दुनिया भर से 60,000 से ज्यादा सिख यात्री पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जिसमें कैलिफोर्निया से भी लोग शामिल होंगे। सूबाई वजीर ने सकाफती तकरीबात का जिक्र करते हुए बताया कि नवंबर में ही सिख कम्युनिटी के माबैन एक मुकामी कबड्डी मैच करवाया जा रहा है, जबकि कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल इसको बैन अक्वामी सतह पर मनाया जा सके, ताकि दुनिया भर से शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। सूबाई वजीर ने अमरीकी वफद के साथ डिजिटल खानदगी और सियाहत के फरोग के लिए तआवुन की जरूरत पर जोर दिया और वफद को सिख शादी एक्ट के बारे में आगाह करते हुए बताया कि मसीही और हिंदू शादी एक्ट पर भी काम तेजी से जारी है। अमरीकी वफद ने पंजाब हुकूमत के इकदाम, खास तौर पर सिख शादी एक्ट की तारीफ की और वजीर आला मरियम नवाज के मजहबी अकलियतों के हकूक की बेहतरी में किरदार को सराहा। वफद ने इंसानी हकूक के तहफ्फुज के लिए और पाकिस्तान में गुरबत के खात्मे के लिए अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। मुलाकात के अख्तिताम पर सूबाई वजीर ने अमरीकी वफद के दौरे को सराहते हुए इनको एक यादगार शील्ड भी पेश की।